अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बिस्मिल्लाह होटल के करीब में बीबी पाकिट के बेटे और भाइयों ने मिलकर तकरीबन 20 से 30 शरपसंद अफराद ने मिलकर एक घर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जुबैर नामी शख्स के घर के रूबरू बैठकर बीबी पाकिट के बेटे और भाई जो के गांजे और दीगर नशीली अदवियात का इस्तेमाल कर रहे थे, जुबैर नामी नौजवान की जानिब से इन्हें रोके जाने पर इन लोगों ने गैंग बनाकर घर पर हमला कर दिया। इस हमले में इस घर के दो अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जैसे ही इस बात की इतला अत्तापुर पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बगरज़े इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए शरपसंद हमला आवरों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। वाज़ेह नाज़रीन के हर आए दिन हसन नगर और सुलेमान नगर के इलाके में नशे का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और नशे की हालत में धुत होकर नौजवान इसी तरह के हमले अंजाम देते चले आ रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि हसन नगर और सुलेमान नगर के इलाकों पर खास नज़र रखते हुए यहां पर पेट्रोलिंग में तेज़ी लाई जाए और यहां पर शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पेश है वी टाइम्स न्यूज़ चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। देखिए सर, ये यहां पे घर के पास जो है गैर गलत तरीके से ठहर के गांजा वगैरह पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यहाँ पे नहीं पीना बोल के बोले तो काफी हमला 6-7 साल से है यहाँ पे। कौन सी जगह है ये? हसन नगर बिस्मिल्ला होटल के पास भिखारवे की गैरेज की गली आती जी, डेड एंड पे घर है मेरा। यहाँ पे ठहर के गांजा शराब नहीं पीना बोले तो यहाँ पे ठहर के गांजा और शराब पी रहे हैं। शुरू से क्या है, पैकेटा वगैरह पीते थे घर के पास। ये जो है बीबी पैकेट के भाई भतीजे पूरे है ये। अच्छा, जो इन लोग शुरू से शराब बेचते थे, अब फिलहाल गांजा बेच रहे हैं। जो इन लोग जो है ना पी के करके यहाँ पे घरों के पास बैठना करना था, हम जो है इफ्तार के बाद बाहर वालदा निकले, यहाँ नहीं पीना था, पीछे जाके पी लो बोले तो वालदा को एल फैल बातम बोले। हम आए, हम आने के बाद बैठे थे घर पे, बुला के बात करना है बोले 50 से 60 जने हमला करे और वो कई गैर नहीं है, गली के लोग हैं, महल्ले के लोग हैं, आपस के लोग हैं। आपस के नहीं बोल सकते साहब, आपस के लोग ऐसा नहीं करते। आपस का इंसान जो है हमदर्द रहता, ये जो है लोग आप मुनाफिक लोग है। ये गनेटा डाले सो हिसाब चेहरों पे कितने लोग थे? 40 से 50 लोग थे, गिन नहीं सकते ना साहब। लड़ाई जी पुलिस को इन्फॉर्म करें जी। हाँ, पुलिस कंप्लेंट करें सर्कल साहब, अत्तापुर पीएस आता साहब। अच्छा, सर्कल साहब से भी बात करें, जो है कंप्लेन करें हम लोग। अब जो है इमीडिएटली एसआई साहब आए, आके अब जो है कंप्लेन जाके पीएस में करो बोले सो, पीएस को जा रहे हैं कंप्लेन करने के वास्ते। मगर जो है ना ये गैर गलत तरीके से हमला करे सो है घर के ऊपर, ये क्या है? अच्छी बात बताने गए अगर हम जी, करने वालों का नाम जो है यूसुफ है और अल्लू है, अहमद है और माजिद है, सोहेल है और जो है शहबाज है, नायब है। सुनिए आप, तकरीबन जो है सुबान है, ये लोग शुरू से ही गांजा पीना करना कारोबार है लोगों का। और ये जो है मेरे घर से थोड़ा दूर पे जो है एक छोटे से चबूतरे पे लोग बैठ के दिन भर गांजा पीते जाने आने वाले लेडीज, हम कभी नहीं बोले घर से दूर है बोल के, घर के पास आएंगे तो हम बराबर बोलेंगे। हम शुरू से बोले, तकरीबन जो है गलती पे बोले सो है। सुनिए आप, इन लोग जो है नॉर्मल बात को घर पे इतना बड़ा हमला करे, ये लोग दोबारा ऐसा करें जी। हाँ, घर पे आके यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी है, मैं सीसीटीवी फुटेज भी देने के लिए तैयार हूँ, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर जो है हमारी गलती। कितने जने जख्मी है? मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ बात करने के लिए। वालदा का होट, वालदा का जो है होट पे माल लगा सो है, नहीं रहने दो। वालदा का जो है होट पे माल लग गया सो है, ढकलम ढकली में हुआ सो है। वालदा के ऊपर भी हाथ उठा, वालिद साहब के ऊपर भी हाथ उठा। ये सिर्फ घर पे कोई भी नहीं थे, हमारे दोस्त लोग भी कोई भी नहीं थे जो है। 50 कितने बजे? अभी जो है टाइमिंग देखिए, फिलहाल आधा घंटा पहले बोले तो 8 बजे, 8:30 बजे से 8-8:30 के दरमियान में। आप ये है जी, वो भैया ऐसा फोन करके बुलाया मेरे को घर के पास। आप उनके भाई है? हाँ, मैं भाई हूँ, शॉप पे था, शॉप बंद करके आया यहाँ पे, बहस हो रही मेरी, बात कर रहे लोग बोल के बुलाए भैया। ओके, आए तक यहाँ पे मैं गाड़ी स्टैंड मारे तक भैया लोगों को मारना शुरू कर दिया लोग, हमें छोड़ा तो मेरे को भी मार दिया। गनेटा पूरा फाड़ दिया। हाँ, ये गनेटा पूरे लोगों ने दले। ठीक है, तो अभी आप लोग पीएस जा रहे हैं? पीएस जा रहे हैं, अभी कंप्लेंट जो हुई सो है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो है इस पे केस जितना से ज्यादा होगा से ज्यादा इसके ऊपर केस के ऊपर बात होंगी। आप लोग जो है मीडिया से भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, दोबारा किसी के पास ऐसा नहीं होना। हम भी अच्छे के लिए बोले सो है, बस ये क्या है अच्छे काम के लिए है। रमजान के महीने में वालदा भी अच्छी चीज को रोजा खोल के बाहर बैठे थे वालदा हमारे, गांजे की बुआ ने से क्या है बोले सो है, कोई गलत बात नहीं बोले, अच्छी बात ही बोले। सुनिए आप, ये घर के पीछे दीवारों पे बैठते, घर के सामने बैठते, घर तकरीबन उन लोगों का 1/2 किलोमीटर पे घर है लोगों का, वहां से यहाँ पे आके लोग यहाँ पे तमाशे कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भी कंप्लेंट करा था, एरिया का क्या नाम बताया? ये हसन नगर, महमूद नगर, बिस्मिल्ला होटल, विखार भाई की गैरेज की गली में। इससे पहले भी 2-3 बार कंप्लेंट रेज करा मैं, मगर उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। राउंड पे पुलिस वाले आते और चले जाते,
मजबूत एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे इलीगल तरीके से गांजा बेचते और पीने वाले रोडों पे बैठ के पीते और हमारे घर के पास परेशानी भी हम बोले सुनिए। बस मीडिया से अपील है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस भी और मीडिया भी जो भी है वो लोग काम करें और जो बड़े जिम्मेदार है वो उसके ऊपर एक्शन लेता रहा खास तौर पे। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, तीन वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहीन के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीजास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट, बशीर बाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 0402956293।